हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हैरान कुन भी है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि लोहे पर जो जंग आ जाता है उससे आप अपने बालों को किस तरह से काला कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं नए आने वाले यूज़र से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, वैसे तो जंग का दाग जिस भी कपड़े पर लग जाए, जिस भी चीज़ पर लग जाए, छुटाए नहीं छूटता। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, स्पेशली उन लोगों को जिनके सफ़ेद बाल हो गए हैं या वक्त से पहले ही ग्रे बाल हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत मुफीद है। दोस्तों, इसके लिए जो आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो है लोहे का टुकड़ा जिसको जंग लगा हो, वो ले लें। साथ में आप लोग नारियल के दरख्त की छाल ले लें, यानी कि नारियल के दरख्त पे जो जिस चीज से वो लिपटा होता है ब्राउनिश सा, तो उसकी वो छाल ले लें। इससे आपके बालों को लंबा करने में बहुत मदद मिलेगी। अब आपने करना क्या है, आपने कोई भी तेल ले लेना है, चाहे वो नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, तिलों का तेल है, सरसों का तेल है, कोई भी तेल ले लें। उसमें आपने जंग को और जो नारियल की छाल लेनी है उसको आपने तेल में डाल लेना है और आपने जंग को भी तेल में डाल लेना है। थोड़ी सी छाल ले लें और जंग का भी कोई टुकड़ा ले लें, उसको आपने तेल में रख देना है और उसको बहुत अच्छी तरह से पकाना है। जंग अपनी पूरी ताकत से अपना जंग का रंग उस तेल में छोड़ देगा और जो छाल होगी वो भी पूरी तरह से जल जाएगी तेल में। दोस्तों, जब आपका तेल काला हो जाए तो इसका मतलब है आपका तेल तैयार हो गया है। इसको ठंडा होने के लिए रख दें और हफ्ते में दो दफ़ा अपने रूट्स की मालिश करें इस तेल से, और रूट्स से लेकर लंबे बालों तक अपने बालों में इसको लगाएं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। सो ये थी आज की मेरी टिप, मेरी रेमेडी। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आप लोग बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें।